नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के दौर में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज आदि सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन करना पसंद करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से पेमेंट किया जाता है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा का लाभ उठाते वक्त कई बार जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स के हैक होने की घटना सामने आती है, जिससे हैकर्स द्वारा उनके कार्ड के डिटेल्स का प्रयोग करके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है मोबाइल नंबर हैक हो जाने पर जो है बैंक द्वारा भेजी गई OTP को चोरी कर लेने पर जो है बैंक अकाउंट आसानी से खाली किया जा सकता है। तो इस प्रकार से साइबर क्राइम के माध्यम से कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। इसके लिए जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए किसी वेबसाइट का प्रयोग करें तो उस वेबसाइट के URL ये लिखा होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये लॉक का निशान लगा होना आवश्यक होना हो लगा हो तभी आप उस साइट का प्रयोग करें। और इसके अतिरिक्त जो है URL ये HTTPS लिखा होना आवश्यक है। केवल HTTP लिखा हुआ है तो इस वेबसाइट का प्रयोग करना जो है सुरक्षित नहीं होगा। तो इन निशान को देख लेना आवश्यक है और HTTPS लिखा हो तभी आप जो है उस वेबसाइट का यूज़ करें और लॉक का ताले का निशान बना हो तो आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वेबसाइट सुरक्षित है और हैकर्स को इस साइट से डेटा चुराने के लिए पहले वेबसाइट की सुरक्षा व्यवस्था को जो है भेदना होगा, तभी वो जो है आपके पर्सनल डिटेल्स को चुरा सकेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के जो माध्यम है क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, इनके पासवर्ड जो है कठिन बनाने चाहिए। कभी भी जो है अपनी गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फ्लैट नंबर, इन सब चीज़ों को जो है पासवर्ड में यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे जो है हैकर्स द्वारा आइडिया लगाना आसान हो जाता है और कई बार पासवर्ड जो है चुराने में उन्हें आसानी होती है। तो इसके लिए जब भी क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग आदि का पासवर्ड बनाएं तो उसमें जो है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स मिलाकर बनाएं। तो इस प्रकार से आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो है हैकर्स को पता लगाना मुश्किल होगा। और इसके अतिरिक्त जो है अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के CVV नंबर और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, नंबर, पिन नंबर और पासवर्ड, एक्सपायरी डेट आदि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए या किसी के मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर लिख करके शेयर नहीं करना चाहिए, न बताना चाहिए या फिर जो है सार्वजनिक प्लेस पर जो है इसको किसी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, करके पेमेंट नहीं करना चाहिए, इससे चोरी होने का डर हो सकता है। कोई भी आपके जो है पिन नंबर, CVV आदि को देख सकता है और उसका यूज़ करके आपके जो है बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो और इसके अतिरिक्त जो पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई होते हैं उनका प्रयोग करके भी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, इससे डाटा आपके डाटा जो है लीक होने का डर रहता है। और किसी दूसरे के मोबाइल, लैपटॉप आदि का प्रयोग करके भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए और यदि करना आवश्यक भी हो तो लॉग आउट करने के बाद उस पेज को जो है बंद कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। तो और इसके अतिरिक्त जो है एंटीवायरस को इंस्टॉल करना आवश्यक है मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर आदि में। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मालवेयर
या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने से रोकते हैं। तो यदि आपने हैकर्स जो होते हैं वो ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर इस प्रकार के लिंक भेजते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर के, और अगर आप भूल से जो है उस पर क्लिक कर दिए तो वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और उसका एक्सेस जो है हैकर्स के पास होता है, वो वहीं से उसको आपके मोबाइल और डिवाइस में जो भी आपके इंफॉर्मेशन होंगे आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के संबंधित, उसको चुराने में सफल हो जाते हैं। तो इसके लिए यदि आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मॉलवेयर सॉफ्टवेयर को लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो वो उसको जो है आगे इंस्टॉल होने से रोकता है, मना करता है। तो इस प्रकार से आपका डिवाइस सेफ रहता है। और इसके अतिरिक्त जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को प्रोमो कोड प्रोमो वाले या फ्री वाले जो एंटीवायरस एडिशन मिलते हैं उनको नहीं डाउनलोड करना चाहिए अपने, उनको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए अपने डिवाइस में उनको करने। ये इस प्रकार के जो होते हैं ये ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और इनके इंस्टॉल होने पर भी आपके डिटेल्स जो है चोरी होने का खतरा बना रहता है, हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कम करना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि यदि आपका किसी दुर्भाग्यवश से क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स चोरी हो जाते हैं, हैक कर लिया जाता है या कहीं से किसी को मालूम चल जाता है वो यूज़ कर लेता है, तो आपके क्रेडिट लिमिट की जितनी रकम जो है वो अमाउंट चुरा सकता है, आपके बैंक से निकाल सकता है। और यदि आप डेबिट कार्ड से का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो डेबिट कार्ड के यदि डेटा लीक होती है तो जितना आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट होगा उतना ही आपको नुकसान हो सकेगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय कुछ सावधानियाँ बरतना आवश्यक है जिससे जो है साइबर क्राइम की घटना से बचा जा सके और अपने कार्ड डिटेल्स और बैंक अकाउंट को सेव किया जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रांजेक्शन के समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसकी जानकारी पहुँच सके।